हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एसजी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया। आज हम देखेंगे टॉर्च कैसे बनाया जाता है। मैंने टॉर्च पे एक और वीडियो दे रखा है, तो उसमें टॉर्च के साथ इमरजेंसी लाइट भी है, लेकिन ये सिर्फ टॉर्च के लिए है। इसमें चार्जिंग LED भी दिया हुआ है, उसमें नहीं है। देखिए, अगर आप चार्ज में देते हैं तो इसका लाइट जलेगा, लेकिन उसमें नहीं दिया हुआ है। तो आप अगर ऐसा कनेक्शन करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टॉर्च को बनाने के लिए चाहिए दो ऐसे छोटे प्लाई का टुकड़ा, दो लंबा एक ही साइज का चाहिए, ठीक है। उससे थोड़ा चौड़ा और लंबाई में एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबा ज़्यादा लेते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। और लूँगा मैं एक बैटरी जो 0.3 mAh की है, 4 volt की, और एक स्विच जो छोटा है, आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा, और एक चार्जर की पिन और एक लाइट, एक 1K रेजिस्टेंस और एक 700S का डायोड। और एक टॉर्च का जो हेड होता है इसको लेंगे, और इसका जो लाइट होता है ये फिक्स ही रहता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी लोकल मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं तो मिल जाएगा। प्लास्टिक का लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, इसको हम अब काट लेंगे। उसके बाद टॉर्च के में जो नीचे जो प्लाई लगेगा उसमें हम इस चार्जर के पिन को फिक्स करेंगे, और जो मेरा टॉर्च है टॉर्च को मैं इसे गोल करके काट लूँगा। और इस प्लाई में मैं स्विच को ऐसे इसमें काट के फिक्स कर लूँगा। अगर आपको ये काटना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका भी अलग से वीडियो दे दूँगा। और ये जो मेरा चार्जिंग LED है मैं इसको बीच में फिक्स करूँगा। मैंने सभी को काट लिया है, और जो मेरा टॉर्च में फिक्स होगा ऊपर में, उसके लिए मैंने इसको काट लिया है, और मैंने 3 होल कर लिया है। अगर आपका हीट होता है बैटरी, अगर चार्ज में देते हैं तो बैटरी हीट होता है, इसलिए हवा पास होने के लिए आप इसमें होल कर सकते हैं। अब हम फेविकॉल लेंगे, फेविकॉल से सभी को अच्छे से चिपका देंगे। प्लाई के लिए फेविकॉल बहुत ही अच्छा होता है, आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको चिपका लेते हैं। मैं टॉर्च को भी इसके अंदर चिपका दूंगा फेविकॉल से, जो मेरा ऊपर में लगेगा। ये जो मेरा चार्जर पिन के लिए होल किया हुआ है उसमें मैं चार्जर के पिन को भी चिपका दूंगा। इसके
के लिए भी मैं फेविकोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ग्लूगन का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं तो कहूँगा आप फेविकोल का इस्तेमाल करिए क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। देखिए मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब मैं सभी को अच्छे से चिपका दूंगा। देखिए मैं इसको इधर चिपकाऊंगा और जो मेरा चार्जिंग पिन है उसको मैं नीचे चिपका दूंगा। अच्छे से चिपका देने के बाद मैं इसको सूखने के लिए रख दूंगा। ठीक है, देखिए अब अच्छे से चिपक चुका है, सूख गया है। अब क्या करेंगे, हमारा बैटरी लेंगे, बैटरी का प्लस और माइनस के साथ हम दो वायर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने रेड और ब्लैक वायर ले लिया है, तो ब्लैक को माइनस के साथ और रेड को प्लस के साथ अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। अब मैं जो मेरा एलईडी है चार्जिंग, उसको मैं लूँगा, उसका प्लस के साथ मैं 1K रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँगा। मैं इसको भी अच्छे से सोल्डरिंग कर दूंगा। मैं इसके लिए भी दो वायर लूंगा और ब्लैक वायर को माइनस में और प्लस में रेड वायर को सोल्डरिंग कर दूंगा। देखिए मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है। अब मैं टॉर्च को लूँगा, जो टॉर्च में भी मैं एक ब्लैक वायर एक रेड वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है। मैंने सभी वायरों के एक ही कलर का लिया है क्योंकि कनेक्शन समझ में आपको दिक्कत नहीं होगा। मेरा जो टॉर्च है, टॉर्च का जो कांच होता है उसको मैंने लगा लिया है इसमें। उसके बाद जो मेरा लाइट है उसको भी मैं इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर दूंगा। उसके बाद जो मेरा बैटरी है, बैटरी को भी मैं ग्लूगन से अच्छे से चिपका दूंगा। ऐसे बीच में भी चिपका सकते हैं आप, अगर जहां भी चाहे आप इसको चिपका सकते हैं। देखिए मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है। उसके बाद ये जो मेरा ब्लैक वायर है और ये जो मेरा चार्जिंग एलईडी का ब्लैक वायर है और टॉर्च का ब्लैक वायर, सभी ब्लैक माइनस को हम कनेक्ट कर देंगे एक साथ। एक साथ कनेक्ट कर दिए। अगर मैं बैटरी से चार्जिंग एलईडी को कनेक्ट करूंगा तो ये जलेगा, लेकिन मुझे बैटरी के साथ कनेक्शन नहीं करना है। पहले हम इसका
जो प्लस वाला वायर है उसके साथ स्विच कनेक्शन करेंगे। तो स्विच कनेक्शन करने के लिए जो मेरा बोर्ड है ऊपर का, उसके अंदर हम इसे वायर को निकालेंगे। उसके बाद जो मेरा स्विच है, स्विच के साथ नीचे में अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद हम एक और रेड कलर का वायर लेंगे, स्विच का जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ हम सोल्डरिंग कर देंगे। दोनों को अच्छे से सोल्डरिंग करने के बाद ऐसे वायर को इसके अंदर निकाल के स्विच को अच्छे से फिक्स कर देंगे। इसको भी हम फेविकॉल से अच्छे से चिपका देंगे। अब जो स्विच से मेरा प्लस निकला हुआ है उसको आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। फिर जो मेरा बैटरी का जो प्लस है और स्विच का जो प्लस निकला हुआ है उसके साथ कनेक्शन कर देना है। देखिए मेरा स्विच ऑन है इसीलिए लाइट जल गया, ठीक है। तो मैंने देखिए कनेक्शन कर दिया बैटरी के साथ प्लस का, और बैटरी के साथ प्लस और जो स्विच से प्लस निकला हुआ है उसको कनेक्ट कर दिया। अब मैं जो 4007 का डायोड है उसको हम लेंगे, उसका एक कलर सिल्वर होता है और एक तरफ ब्लैक होता है। तो अगर आप ब्लैक कलर को लाइट ये बैटरी के साथ देंगे और जो मेरा चार्जिंग एलईडी को कनेक्ट करेंगे तो ये जलेगा। लेकिन आपको करना क्या है, जो सिल्वर कलर है वो प्लस है, तो सिल्वर कलर के साथ आप जो प्लस बैटरी का है उससे कनेक्ट कर दीजिए, और जो चार्जिंग एलईडी है तो चार्जिंग एलईडी को आप ब्लैक मतलब माइनस की तरफ डायोड के कनेक्ट कर दीजिए। दोनों तरफ कनेक्शन हो जाने के बाद ये मेरा चार्जिंग एलईडी है। अब इसको हम कट कर लेंगे, ज़्यादा वायर है तो हम दूसरा साइड को भी हम अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। ये दोनों तरफ मेरा सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, जो मेरा चार्जिंग एलईडी है उसको हम फेविकॉल से चिपका देंगे। डायोड के साथ जो चार्जिंग एलईडी कनेक्ट किया हुआ है उस वायर को के साथ आप जो मेरा चार्जिंग पिन है उसके प्लस के साथ सोल्डरिंग कर देना है। देखिए प्लस है, प्लस के साथ इसको सोल्डरिंग कर देना। और जो मेरा सभी माइनस है, माइनस को भी जो माइनस चार्जिंग पिन का है उसके साथ सोल्डरिंग कर देना है। देखिए मैंने दोनों को अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब फेविकॉल से मैं इसको अच्छे से चिपका दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा।